कार्यकर्ता से लेकर संगठन और जनप्रतिनिधि सब एकजुटता एकरूपता से मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है। हमारे संगठन सब ने एकजुट होकर जो ये चुनाव लड़ा है उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो नीची जनता से लेकर कार्यकर्ता से लेकर संगठन और जनप्रतिनिधि सब एकजुटता एकरूपता से मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि शायद राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र का जो कमल का फूल खिलेगा वो नंबर एक होगा कमल के फूल के खिलाने में। उसके लिए मैं आम जनता को कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन एक करके हमारे यहाँ के जिले के सारे संगठन सारे हमारे जिलाध्यक्षों को तीन जिलाध्यक्षों को हमारे सारे जनप्रतिनिधि सभी विधायकों को सभी नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका के सभी चेयरमैन सभी पंचायतों के सभी प्रधान उपप्रधान और सभी मंडल अध्यक्ष नीचे बूथ हमारे पेज प्रमुख से लेकर नीचे ऊपर जिलाध्यक्ष तक सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश नेतृत्व का हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का शीर्ष नेतृत्व का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्र अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का और सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ आकर सबने प्रधानमंत्री जी लेकर सब यहाँ आए और क्योंकि अब की बार 400 पार और इसके लिए आम जनता ने जो सहयोग किया है जो मोदी जी के जो 10 साल के जो काम है गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है वास्तव में उसकी प्रशंसा हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारा देश जो 11वें पायदान पे था जो 5वें पायदान पे आज आर्थिक रूप से आया है वो दिन दूर नहीं जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को और 400 पार से बहुमत मिलेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश भी तीसरी शक्ति आर्थिक रूप से बनेगी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब जो 3 महीने का समय मिला सबसे बड़ा काम किया उन्होंने ERCP मंजूर कराई। आज बड़ी खुशी की बात है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र जो 8वीं विधानसभा क्षेत्र उसमें सम्मिलित है यह हम सब के लिए खुशी की बात है। 85,000 करोड़ रुपये मंजूर हुए चंबल नदी काली सिंध नदी भारती नदी को जोड़कर जो नेहरू के द्वारा जो जितने भी बांध है बड़े उनको भरा जाएगा। आज पीने के पानी की समस्या है पर हर खेत तक पानी जाएगा। फिर उन्होंने जो किसान सम्मान निधि जो पहले सही मायनों में चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है ऐसा हमारे सभी मीडिया बंधु सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे चुनावी रण को जिस प्रकार से आपने निष्पक्ष रूप से जनता के समक्ष रखा और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका तुलनात्मक रूप से आपने दोनों पार्टियों की जनता के समक्ष रखी इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व को वास्तव में परिभाषित किया अपने मतदान के माध्यम से। और जिस प्रकार का माहौल कल मतदान के दिवस दिखा कि स्वयं व्यक्ति अपनी स्वयं प्रेरणा से चल करके लोगों ने मतदान किया और मैं कह सकता हूँ कि कल का जो माहौल था वो निश्चित रूप से उसे ये स्पष्ट रूप से विदित हो गया। आप लोगों को भी इसका आभास हुआ होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत समर्थ भारत और सुरक्षित भारत की अवधारणा थी उसको जनता ने स्वीकार किया और एक जबरदस्त जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को हम ले बढ़े हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जब ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करके हमारे बीच में भेजा, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि उस प्रक्रिया में बढ़ते हुए हमारे प्रदेश नेतृत्व में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी और प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार का एक अथक परिश्रम इस पूरे चुनावी रण में किया, आपको निश्चित रूप से दिखा होगा। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे कैंपेनिंग में लिया, वहीं पर हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस केवल जो कांग्रेस के स्टार प्रचार थे केवल अपने परिवार को सीट बचाने के अंदर ही कहीं ना कहीं व्यस्त रहे। तो निश्चित रूप से मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उसके बाद सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद हमारे उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का जो पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति हमेशा निष्ठावान और संकल्पबद्ध होकर के जिस प्रकार से चुनावी रण में उतरते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारा जो अजमेर है, ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक अभेद गढ़ के रूप के अंदर हमारा साबित हुआ है। और निश्चित रूप से एक अथक मेहनत हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की, कार्यकर्ताओं में हमारे समस्त जो हमारे विधायकगण थे लोकसभा क्षेत्र के, उन सब ने, हमारे जिला संगठन ने, हमारे जिले के अंतर्गत जितने भी मोर्चे हमारे रहे, उन मोर्चों ने, हमारे सोशल मीडिया, हमारे IT प्रकोष्ठ, सभी बंधुओं ने इसमें बहुत ही जबरदस्त पराक्रम दिखाया। और इस पराक्रम का परिणाम आगामी 4 जून को जब हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय भागीरथ जी चौधरी सांसद के रूप में पुनः दिल्ली जाएंगे, संसद में प्रवेश करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये स्पष्ट रूप से पूरे राजस्थान में जो दृश्य देखने को मिला, पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बना है, ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से यदि आप अंतर को देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, जिस प्रकार की नीतियाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जन को आधारित करते हुए बनी है, उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर प्रगाढ़ हुआ है। और जिस प्रकार से एक भारत की बदली हुई तस्वीर आज विश्व पटल पर है, और जिस प्रकार से मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ा है, जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त किया, और निश्चित रूप से 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से इसका जो है इंगित होगा। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हमारे समस्त प्रशासनिक अधिकारी का, जिला प्रशासन का, हमारे माननीय जो निर्वाचन अधिकारी हैं, माननीय जिलाधीश महोदय, हमारे पुलिस विभाग, हमारे समस्त जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारों का, कि बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान अजमेर के अंदर कराने में उन्होंने जबरदस्त अपनी भूमिका निभाई है, उन्हें एक बार हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको निश्चित रूप से उन्हें एक बार हमारे मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।